हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एजीड्रम 20% क्रीम की रिव्यू। इसका 15 ग्राम का प्राइस है अप्रोक्स 300 रुपीज़। ये हर कोई मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। सो गाइज, एजीड्रम क्रीम में मेन की इन्ग्रीडियंट होता है एजिलिक एसिड। तो एजिलिक एसिड एक सेफ इन्ग्रीडियंट होता है स्किन के लिए। इसमें एक्सफोलिएटिंग गुण होता है। ये स्किन में जमे डेड स्किन को हटाता है, पोर्स को अंदर से क्लीन करता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है। कई बार धूल मिट्टी जमने के कारण पोर जो है क्लॉग हो जाते हैं और स्किन जो है सांस नहीं ले पाती है। उसकी वजह से स्किन पर बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। एक्ने पिंपल हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। सो गाइज, एजिलिक एसिड जो है एक्ने पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ये किल करता है। स्किन इन्फ्लामेशन को भी ये कम करती है। जो एक्ने पिंपल में जो रेडनेस, स्वेलिंग जो होता है, जलन रहता है, उसको भी ये कम करता है। साथ ही साथ रिंकल फाइनेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो स्किन के कलर को ये साफ करती है। इसमें जो है स्किन लाइटनिंग के भी गुण होते हैं। ये पिगमेंट मेलानिन को कम रोकता है। अगर आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार है, ओपन पोर्स की समस्या है, तब आप ये क्रीम का यूज़ कर सकते हो। गाइस, ये एजीड्रम क्रीम जो है सेफ क्रीम है। इसको जो है प्रेगनेंसी के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के एक्ने में या फिर प्रेगनेंसी के पिगमेंटेशन में भी एजिलिक एसिड बेस क्रीम को जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टोटली सेफ है। साथ ही ये क्रीम को जो है अदर एक्टिव इन्ग्रीडियंट के साथ भी यूज किया जा सकता है। अगर आप विटामिन सी सीरम यूज़ करते हो तभी ये क्रीम को आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, एजिड्रम क्रीम को जो है आप दिन में दो बार लगा सकते हो, सुबह शाम आफ्टर फेस वॉश करने के बाद जो है थोड़ी सी क्रीम लेके अपने फेस पर लगाना है। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है, थोड़ी सी क्रीम से ही काम बन जाता है। तो बात करिए इसके साइड इफेक्ट की, तो ऐसे तो ये सेफ क्रीम है, साइड इफेक्ट कम ही देखने को मिलता है। हर किसी के स्किन पर ये सूट हो जाता है, फिर भी किसी के स्किन पर सूट ना करे तो स्किन पर जो है बहुत ज़्यादा खुजली आ सकती है, बर्दाश्त से बाहर दाने निकल सकते हैं, चेहरा रेड हो जाएगा, स्किन निकलने लगेगी, इस टाइप के जो है साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर ले लेना चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लेके कान के पीछे लगा के देख सकते हैं स्किन पर सूट तो हो रहा है। अगर स्किन पर खुजली या जलन हो रही है तो फेस पर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी भी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।